हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मूली पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ठंडी की सीजन हो, ताजी ताजी मूली का आना शुरू हो गया है। या आप भी इसे जरूर बनाइए, टेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मूली का पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो बड़ी साइज की मूली लिया है। मूली एकदम फ्रेश और ताजी होनी चाहिए। मूली को हमने एक पीलर की मदद से ऐसे छिलके हटा लिए हैं, तो आप ऐसे ही छिलके हटा के एकदम क्लीन कर लीजिएगा। फिर हम एक ग्रेटर लेंगे। ग्रेटर एकदम बारीक वाली होनी चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं, ज्यादा पतली नहीं। तो हम ऐसे ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस हो रहे हैं। बहुत आसानी से हो जाता है, ताजी मूली हो तो फटाफट फटाफट पीस जाता है। तो आप देख रहे हैं हमने मूली को एकदम परफेक्ट घिस लिया है। अब हम इसका पानी निकालेंगे। हमने मूली को अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा मूली लेना है और एक कटोरी में ऐसे इसका एक्स्ट्रा पानी जो है उसे निकाल देना है। अच्छे से दबाते हुए हमें, आप देख सकते हैं एक बार में इतना पानी हमने निकाला। अब इस मूली को हम एक बॉल में ऐसे रखते जाएंगे। मूली का रस निकालने के बाद ये एकदम सूखा सूखा हो जाता है। तो हम दूसरी बार भी पानी निकालना आपको दिखा देते हैं। ऐसे मुट्ठी से हम जब प्रेस करेंगे तो इसका एक्स्ट्रा पानी एकदम निकल जाएगा। फिर हम इसे बोल में रखते जाएंगे। तो चलिए हम ऐसे ही सब मूली का पानी निकाल लेते हैं। हमने मूली का पानी निचोड़ के एकदम सूखा सूखा तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप कभी भी मूली पराठा बनाइए, एकदम मूली के पानी को निचोड़ के निकाल दीजिए। पर हम इस पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इतना पानी निकला है मूली में से। इस पानी से हम आटा लगाएंगे, क्योंकि मूली के पानी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। तो हम इसे वेस्ट क्यों करें, इसे हम आटा गूंद लेंगे, यूज हो जाएगा। तो चलिए हम आटा लगा लेते हैं। एक परात में हम 200 ग्राम आटा ले लेंगे। आटा में हम आधा चम्मच नमक डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हमने जो ये मूली का पानी निकाला था उसे डाल देंगे। अगर कम पड़ेगा तो हम अलग से पानी लेंगे। पहले हम इससे डो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मूली के पानी से अपनी डो तैयार नहीं हो सकी, तो हम इसमें एकदम नॉर्मल पानी डाल के आटा लगा लेंगे। इतनी पानी की जरूरत होगी। आटा हमें एकदम स्मूथ करना है। तो ये कब होगा, जब हम इसे ऐसे मसल मसल की डो तैयार करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम कंटिन्यू आटा को मसलेंगे। आटा को हमने 2 से 3 मिनट तक ऐसे हथेलियों से मसल मसल के एकदम स्मूथ तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं, ये आपको दिख भी जाएगा कि हमने अच्छा सा डो तैयार किया है। न ज्यादा सॉफ्ट है, न ज्यादा हार्ड है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। तो अपनी मूली घिस चुकी, आटा गूंद चुका, अब हम मसाला तैयार करेंगे। हमने मूली में डालने के लिए मसाले तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हम इसे ऐड कर ले रहे हैं मूली में। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे हमने घिस लिया है ग्रेटर से। 4 से 5 कली लहसुन, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्च
दो हरी मिर्च को भी हमने बारीकी से काट रखा है, एक बड़ा शाही प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है, फ्रेश हरी धनिया पत्ता, अजवाइन, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो लाल मिर्च हमने हरा डाला है इसके लिए थोड़ा सा डाल रहे हैं, आपको ज्यादा चटपटा बनाना है तो मिर्च की मात्रा बढ़ा दीजिए, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी खुली खुली अपनी मूली की स्टफिंग तैयार हो रही है, जब हम इसे स्टफ करेंगे तो बिल्कुल पराठा गीला नहीं होगा और एकदम फुली फुली पराठा तैयार होगा। आपने देख लिया हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मूली ग्रेट किया था उसमें मिक्स कर लिया है, तो ये अपना स्टफिंग तैयार हो गया। आटा चेक कर लेते हैं, तो आटा भी हम सेट होने के लिए रखे थे, ये भी सेट हो गया है, तो इसे हम एक बार फिर से इस हथेली से ऐसे करके मसल लेंगे। आपको दिखाती हूँ ये कितना स्मूथ दिखेगा, आप देखिए हमने 4 से 5 बार किया तो कितना अच्छा आटा तैयार हुआ है। जब डो बढ़िया रहे तो पराठा भी बढ़िया ही बनने वाला है। अब हम डो को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 200 ग्राम आटा है तो हम इसमें 4 से 5 ही लोई करेंगे, क्योंकि पराठे की लोई थोड़ी सी बड़ी होती है, रोटी के लोई से थोड़ी सी बड़ी होती है। हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब हम इसके अच्छे से पेंडे जैसे बना लेंगे बॉल। हमने आटे का बॉल्स भी तैयार कर लिया, अब हम साइड में थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे जिसे हम पराठे पे डस्टिंग करेंगे। तो हमने एक बॉल्स को उठाया, आटे में ऐसे डस्ट किया, फिर हम ये दोनों अंगूठों की मदद से, यानी कि ऐसे हम उंगली पे रखेंगे और अंगूठों की मदद से इसे एक कटोरी का शेप देंगे। तो ये नीचे हम आटा ज़्यादा रखेंगे और ऐसे साइड साइड में दबाते हुए एक कटोरी तैयार करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपने देख लिया हमने एक कटोरी तैयार किया, अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो हम ऐसे चम्मच में भर भर के स्टफिंग लेंगे और इसमें ऐसे दबा देंगे, चम्मच से भर के स्टफिंग लेंगे और दबा देंगे। इसमें हम ढेर सारा स्टफिंग डालेंगे, पराठे मज़ेदार होने के लिए स्टफिंग जरूरी होता है। फिर हम ये दोनों अंगूठे की मदद से ऐसे प्रेस करते हुए आटा को आगे की तरफ लेंगे और इसके मुंह को ज्वाइंट कर लेंगे। अब थोड़ा सा देखिए कैसे ये ज्वाइंट हो रहा है, अंगुलियों से ऐसे आटा को लेके हम बीच में इकट्ठा कर लेंगे, फिर सारे को ज्वाइंट कर लिया। अब हम इसे फिर बॉल का शेप दे देंगे। तो हमने मूली पराठे के लिए ये लोई तैयार कर लिया, अब हम आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको। तो हमने एक रोटी बनाने वाला चकला ले लिया है, इस पर थोड़ा सा आटा हम डस्ट करेंगे, फिर हम इस पर लोई को ऐसे लिपटा लेंगे और सबसे पहले हम ये अंगुली और अंगूठे की मदद से ऐसे इसे फैलाने की कोशिश करेंगे, जितना फैल सके उतना पहले हम हाथ से फैला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे ये फैलते जा रहा है, इससे क्या होगा अपनी स्टफिंग जो है एकदम कॉर्नर कॉर्नर तक पहुंच जाएगी। तो हमने इतनी बड़ी लोई हाथ से ही तैयार कर ली है, अब इस पराठे को फिर से हम डस्ट में ऐसे आटा से डस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा आटा हम झाड़ देंगे, ज्यादा नहीं लगाना है।
अब हम एक बेलन की मदद से इसे पराठे का शेप देंगे। तो प्रेस करते हुए हमें नहीं बनाना है, हल्के हल्के हाथों से उलट उलट के गोल गोल करते जाना है, ऐसे घुमा घुमा के। तो आपने देख लिया, हमने बेलन की मदद से पराठे का शेप दे दिया है। इससे बड़ा पराठा नहीं बनाया जाता है, एकदम पतली सी पराठा बन के तैयार हुई है। तो ऐसे ही हम बाकी के सभी पराठे बनाएंगे। हम एक एक पराठे सीखते जाएंगे और दूसरी पराठा बनाते जाएंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक पैन रख लिया है, आप तावा भी रख सकते हैं, पर पैन में पराठा बनाने से क्या होता है, जब हम ये तेल डालेंगे तो ये बाहर की तरफ नहीं उछलता है, अंदर ही पराठे में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इसके लिए मैं पराठे कभी भी बनाती हूँ पैन में ही बनाती हूँ, आप अपनी सुविधा अनुसार बना लीजिए। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, हम फ्लेम स्लो कर लेंगे और इसमें अब पराठा डालेंगे। तो हम धीरे से पराठा को पैन में से छोड़ देंगे, एक साइड से हम इसे 1.5 से 2 मिनट सिकने देंगे, फिर चेक करेंगे। तब तक हम दूसरी बॉल्स तैयार करेंगे पराठे की। तो हमने लोई को आटे में ऐसे डस्ट किया, इसे कटोरी का शेप दिया। इसमें स्टफिंग डाला, हथेलियों की मदद से इसे प्रेस करते हुए अंदर की तरफ भर दिया। मुख को ज्वाइंट कर दिया। अब हम इसे आटा में डस्ट करेंगे और हाथ की मदद से ही इसे जितना हो सकता है कोशिश करेंगे फैलाने की। अब हम इसे बेलन के मदद से बेलेंगे, तब तक हम पराठा उलट ले रहे हैं। सबसे पहले हम पराठे के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा तेल ऐसे डाल देंगे, फिर स्पैचुला की मदद से हम इसे ऐसे फ्लिप करेंगे। अब देखिए कितना सुंदर कलर आया है, अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया पराठे की कलर आया है। लोग कहता है मूली पराठा बनाना आसान नहीं होता है, पर आप देख लीजिए इसे बनाना कितना आसान है, इसे आप भी जरूर बनाइएगा। अब हम दूसरे साइड से भी 1.5 मिनट तक सेकेंगे, फिर आपको उलट के दिखाएंगे। अब इसे हम फिर से आटा से ऐसे डस्ट करते हुए और बेलन की मदद से पराठे के शेप तक पहुंचाएंगे। तो हल्के हाथों से हमें ऐसे घुमाते हुए पराठे का शेप दे देना है। दूसरा पराठा अपना बेल ली हूँ। चलिए हम पहला वाला पराठा प्लेट में निकालते हैं। तो ऐसे हम फिर से उलट के चेक करेंगे। अरे वाह, कितना सुंदर पराठे का कलर आया है। ऐसे ही चिट्टी लगी हुई पराठे की कलर चाहिए। तो चलिए हम मुल्ली पराठा डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। अब ध्यान से देखिए कितना प्यारा कलर, हम दोनों साइड से आपको दिखा दे रहे हैं। ये रहा अपना मूली का स्टफ्ड पराठा। चलिए हम बाकी के पराठे ऐसे ही सेक के तैयार करते हैं। मूली पराठा बनकर तैयार है, हमने सभी पराठे बना लिए। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। ये विटामिन सी से भरपूर पराठा है, इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप लंच में, डिनर में या टिफिन में कभी भी बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।